हेलो बच्चों, कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है और जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार की परीक्षा कुछ अलग अंदाज में होगी। तो ये परीक्षा है क्या? ये आपको सच्चाई से अवगत कराती है और अगर आप इससे डरते हैं तो इसका मतलब है कि आप सच से डरते हैं। तो क्या आप डरपोक हैं? नहीं ना? तो सारी ही परीक्षाएं अगले सप्ताह होने वाले मॉक टेस्ट में आप दीजिए और देखिए कि जब असली परीक्षा होगी तो आपका डर चुटकी में छुमंतर हो जाएगा। तो कुछ मैसेज और भी हैं हमारे स्कूल से पास आउट स्टूडेंट्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। और ये मैंने अपने मेडिकल लाइफ में सीखा है कि व्हेनेवर यू परफॉर्म अ सर्जरी, उसी तरह से एक एग्ज़ाम, अगर आप सर्जरी करने जा रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरे से क्या क्या गलती नहीं होनी चाहिए। आप अपने अंदर एक लैंडमार्क बना के रखिए कि मेरे को ये काम नहीं करना है जिससे मेरे से गलती हो सकती है। उसी तरह से एग्ज़ाम्स भी वही चीज़ है। जब हम कोई सर्जरी करने जाते तो वो हमारे लिए एक एग्ज़ाम ही है। उसी तरह से जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, वेदर इट इज़ बोर्ड एग्ज़ाम, और ये सब बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ जो कि 8th to 12th या जो भी, एक छोटे बच्चे के लिए बता रही हूँ कि जो हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले मार्क कर लिया करो। मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, पेपर सबसे पहले मेरे को अच्छे से पढ़ना है, तब मेरे से कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले मैं पेपर, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। और क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ने से क्या होता है पता? जब आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ते हैं ना, अपना टाइम सबसे पहले उसमें देते हैं, तो इवन इफ़ यू डोंट नो द रेस्ट ऑफ द आंसर, जब आप पहला क्वेश्चन बना रहे होते हैं आपको रिकॉल हो जाता है और आप लिखते लिखते फ्लो में आपको वो भी याद आ जाता है कि चलो नहीं आता लेकिन हम सेकेंड थर्ड फोर्थ का आंसर ऐसे ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा, आई विल गेट सम मार्क्स। इसीलिए सबसे पहले खुद को ट्रस्ट करना सीखिए, सेकेंडली मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स का बात सुनिए, बातें शेयर करना सीखिए, मन के अंदर दबा के मत रखिए। फोर्थ, अपने एम्स, अपनी कंपनी बड़ी रखिए ताकि आपको किसी बात का कोई चीज़ खटके ना, आपको दूसरों का चीज़ आपको कोई नेगेटिव चीज़ आपको इन्फ्लुएंस ना करे। एंड सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम से भागिए मत, जो एग्ज़ाम से भागना आपको वो फेस करना ही है भाग के। और दो चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ हो, आई गेस जैसे हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम आ गया, एक सिचुएशन आ गया, ठीक है, और आपको, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम का, तो टेंशन लेके क्या फ़ायदा है ना। बट अगर आपके पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको स्ट्रेस्ड अप नहीं होना है। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट किसी भी सिचुएशन में स्ट्रेस मत लीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश, ये बस दो चीज़ आप ट्रस्ट करो, आप पॉजिटिव रहो, खुद को ट्रस्ट करना सीख जाओ, आप आगे कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हो, वेदर इट इज़ बोर्ड और यूनिवर्सिटी और वेदर इट इज़ एन एग्ज़ाम ऑफ अ लाइफ। चीज़ों को फेस करना सीखिए और सबसे पहले जिस सब्जेक्ट पे आपको डाउट है उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। सब्जेक्ट से भागिए मत या सिचुएशन से भागिए मत, जिस चीज़ से डर लगता है उसको पहले फेस करिए, एंड ऑनेस्टली आपको ये सब चीज़ फेस करने की ताकत आ जाएगी। हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड आर सेफ। आई एम काजोल कुमारी, आई पास्ड आउट स्कूल इन 2016 एंड आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम MIT पुणे and I'm currently working with Vodafone Shared Services. I heard that you all are having your exams, so I just want to tell you that yes, it has been a tough time for all of us,
but we should believe in ourselves and give our very best, put in all our hard works and just hope for the best, because it is a phase of life and this will end too. So all the very best to you all, and especially to the one who will be taking their board exams. All the very best and stay positive, stay safe. Hi guys, this is Ritika Dasgupta and I'm currently pursuing Economics Honours from Christ University, Bangalore. Now, speaking of examinations, trust me, do not treat your exams as a mode of just scoring good marks, just so you're promoted to the next standard, or just so you get a good, you know, rank in your class. Treat them as a mode of testing your knowledge, and once you do that, it's going to be a cakewalk. So work hard, study well, and all the best. Hello everyone, I am Aditya Saurabh and currently I am pursuing Mechanical Engineering at Indian Institute of Technology, Bombay. Hope you are enjoying your classes at the comfort of your home. I would like to share a few tips with you. First and foremost, you need to take education with discipline, reverence and decorum. I understand that your schedule could get pretty messed up in a study from home culture, so make sure to have a proper timeline of events. Second of all is that many students, at least I thought when I was at your place, that how is this curriculum or questions going to help me in future? How is it relevant? The simple answer to it is, directly it may or may not be relevant. The education provided right now is for your brain to learn new skills, and the way you approach a problem, that is what is important. So try to have a clear thought in mind before starting to solve a question. So that's all from my side. Thank you and all the best for your future. This time has come and this time will pass even. But we have to hail like a conqueror. We have to feel this time with positivity, learning and success. So all the best for your forthcoming examinations. You all will do well. God bless you all. Pariksha koi tension ya tanav nahi hai. Pariksha ke liye bahut zyada padhne ki bhi zarurat nahi hai. मेरे कहने का मतलब कि दिन भर यूं ही किताब लेकर बैठना ही परीक्षा की तैयारी नहीं है, बल्कि कब, क्यों और कैसे, इन तीन शब्दों के जवाब के द्वारा आप अपने विषय को समझिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, परीक्षा अपने आप आसान हो जाएगी। कहते हैं, हौसले को मत दिखाओ कि परेशानी कितनी बड़ी है, परेशानी को दिखाओ कि हौसला कितना बुलंद है। थैंक यू।